नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि वक्री शनि 139 दिनों के लिए हो गए हैं आप पर मेहरबान। जिसने दी समस्या वही करेगा समाधान। यदि आप भी वृष राशि या वृष लग्न के जातक हैं, तो आज के कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक पूरे 139 दिनों के अंदर शनि महाराज आपकी किन समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं और किस प्रकार हो चुके हैं, ये आपके ऊपर मेहरबान। आपके लिए शनि महाराज कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं। ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, ये आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। और वक्र गति में जब अति योग कारक ग्रह वक्री होगा, शनि महाराज भाग्य स्थान के ऊपर के फल देंगे। और ये वक्र गति किस प्रकार से आपके लिए कार्य करती है, तो पीछे के घर में अर्थात भाग्य स्थान में शनि महाराज जो जो कार्य छोड़कर आए हैं इन 139 दिनों में उन्हें पूर्ण करने जा रहे हैं। और जब 139 दिनों में वृष राशि या वृष लग्न वाले जातकों के लिए भाग्य का साथ देते हुए रुके हुए या छूटे हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे, इनमें आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले समझिए ये घर क्या है। ये है आपके कर्म भाव का स्थान। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, ये आपके कर्म भाव का स्थान है। और ये क्या है, तो ये भाग्य का स्थान है, ये पिता का स्थान है, ये धार्मिक गतिविधियों का स्थान है, ये यात्रा का स्थान है। इस स्थिति में जब शनि महाराज 17 जून से आपको नवम भाव के फल देंगे, तो सबसे पहले क्या लाभ देखने को मिलेंगे कि आपके कर्म में भाग्य का साथ जुड़ना, ये सबसे सुंदर गतिविधि आपके लिए मानी जाएगी। मेहनत एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु जब मेहनत में भाग्य का साथ जुड़ जाता है तो साधारण व्यक्ति भी बन जाता है व्यक्ति विशेष। और ये 139 दिनों में जो रुके हुए कार्य शनि महाराज पीछे घर के छोड़कर आए हैं, इसका लाभ आपके लिए जरूर से बनाकर देने वाले हैं। आपके कर्म में भाग्य का साथ जुड़कर आएगा। कर्म के माध्यम से यात्राएं जो आपकी की जाएगी, इसमें श्रेष्ठ सफलता का योग बनाकर देंगे। कर्म के द्वारा ही आपकी धार्मिक कार्यों में किसी ना किसी प्रकार से कनेक्टिविटी बनाने जा रहे हैं। और सबसे सुंदर गतिविधि, यदि कर्म के आधार पर आप अपने पिता की सलाह लेकर, पिता के सहयोग से, पिता को किसी भी प्रकार से कनेक्ट कर अपने कर्म को आगे बढ़ाते हैं, ये 139 दिन आपके लिए 2023 में वो स्तंभ रख देंगे जो जीवन पर्यंत 2023 आपको याद रहे। बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि जिनके पिता नहीं हो वो क्या कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में ही आपके पिता तुल्य कोई व्यक्ति हो, उनकी सलाह लेकर भी, काम आप ही को करना है, उनकी सलाह लेकर यदि आप कार्य की गतिविधि को बनाते हैं, सफलता मिलना आपको तय हो जाता है। विदेश यात्रा की स्थिति, विदेश सेटलमेंट की स्थिति, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य आप करना चाह रहे हो, ये 139 दिन आपके लिए बहुत सुंदर फल देने की स्थिति बनाते हैं। वक्र गति में जब शनि महाराज भाग्य स्थान का फल देंगे, यहां से कोई भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदना रह गया था, किसी कारणवश पिछले समय में उलझने आई, आपने मकान बनाना तो चालू कर दिया किंतु उसमें रुकावटें आ रही है, कुटुंब परिवार की पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई रुकावटें आ रही है, माता के स्वास्थ्य में या माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है, या फिर दाम्पत्य जीवन में प्रभावित योग देखने को मिल रहे हैं, पार्टनरशिप में आपको मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है, भौतिक सुखों को पूर्ण प्राप्ति के साथ साथ में यदि दैनिक रोजगार में वो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, उन स्थितियों को 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि महाराज पूर्ण करने आ रहे हैं। क्योंकि ये पीछे घर के अंदर तभी फल देते हैं जो गतिविधियां रुक गई है, जो पूर्ण नहीं हो पाई थी उन्हें पूर्ण करने। एक उदाहरण से समझिए, आप अपने घर से निकले,
और कुछ स्थितियां भूल गए अपने घर पर तो लौटकर आके उन्हें पूर्ण करते हैं और फिर जाते हैं। कुछ इसी प्रकार की गतिविधि शनि महाराज भी आपके लिए करने आ रहे हैं। बेहद सुंदर 17 जून से 4 नवंबर का योग वृष राशि और वृष लग्न वाले जातकों के लिए बनने जा रहा है। अब फिर से वही बात जो मैं आपको हमेशा बताता हूं और कोई और नहीं बताता। यदि आपके लग्न से छठवें घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवें घर में शनि है, लग्न से 8वें घर में शनि है या लग्न से 12वें घर में शनि है तो ये वक्र गति आपके लिए अच्छा फल नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि जब लग्न से 6वें, 8वें या 12वें घर में शनि महाराज आ जाएंगे ये कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाते हैं। अब जो खुद ही पीड़ित हो गया वो आपकी सहायता कैसे कर सकता है? फिर भी घबराइए मत, कार्यक्रम को पूरा देखिए। मैं बताता हूं कि इन 6वें, 8वें और 12वें घर में बैठकर भी आप शनि महाराज का श्रेष्ठ फल कैसे निकाल सकते हैं, और जिनके अच्छे भाव में बने हुए हैं उनकी तो बल्ले बल्ले होने जा ही रही है। शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात ओम शन शनेश्चराय नमः का जाप आपको जरूर से करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, चाहे आपके 6, 8, 12 में है, चाहे एक अच्छे भाव में है, जरूर से कीजिए। किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होंगे ये 139 दिन। असहाय व्यक्तियों की किसी भी प्रकार से सहायता करना, चाहे वस्त्र से, चाहे भोजन से, चाहे छोटा मोटा पैसे से, जो संभवत रहे इसे कीजिएगा। किसी के साथ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी बिल्कुल मत कीजिएगा। शनि महाराज की आराधना कीजिएगा और अपने कर्म की नैया इनके भरोसे हाथ जोड़कर कि आपके आधार पर ही मेरी जीवन की नैया बनी हुई है, इस प्रकार का ध्यान करते हुए शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे 17 जून से 4 नवंबर तक। ये 139 दिन आपके लिए जीवन में वो कमियां पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।